Let's start with our biotechnology chapter again. And last lecture में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने start किया था applications of biotechnology, जिसमें we had seen कि biotechnology का applications क्या हो सकता है in case of healthcare industry, basically in case of medicine, diagnostics and vaccines. So after that हम लोगों ने देखा कि vaccines are there, there are different types of vaccines and तुम लोगों को मैंने एक स्टोरी बताया था अबाउट एडवर्ड जेनर हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, जिसने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था फॉर स्मॉल पॉक्स यूजिंग द काउ पॉक्स वैक्सीन. ओके, देन तुम लोगों को मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन बताए थे, विच इंक्लूड्स लाइव अटेन्यूएटेड वायरस लाइक रिकॉम्बिनेंट DNA vaccines, then there are something called as whole inactivated virus, then something called as synthetic peptides are there, recombinant subunit viral proteins are there. So the different types of vaccine, depending on what we require, we can use. Okay. So and then हमने start किया था, हमें start करना है आज से oral vaccines. So I think the name itself, oral vaccines, मतलब something जो हम लोग खा सकते या फिर we can take orally, मतलब पानी के साथ या फिर खाने के साथ we can take it. Via the mouth. Okay. So generally हमें पता है कि vaccines either it can be in a drop form, generally जैसे कि पोलियो होता है, और in most of the cases, most of the vaccines are in a form of injection basically, जो कि हमें intravascularly मतलब injection के form में कभी हाथ पे या sometime on a बोलते ना थाइस पे वगैरह दिया जाता है. इट डिपेंड्स कि मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ वैक्सीन इट इज और कितना क्या लेवल का इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड. सम लाइक देयर आर अ स्किन इज आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेवल्स. आई होप सबको पता है देयर इज फैटी लेवल, देन लाइक डर्मिस एपिडर्मिस, देन देयर इज अ फैट लेवल, देन क्यूटानियस एंड ऑल. सो डिपेंडिंग कि हमें कहां पे छोड़ना है वैक्सीन को, क्या उसको हमें फैट्स लेयर में छोड़ना है या डायरेक्टली उसको ब्लड वेसल में छोड़ना है, डिपेंडिंग ऑन दैट एक डिफरेंट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. बट देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज जब हम लोग को उसको ऐसा इन अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन देना है तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट थिंग कि इंजेक्शन, वंस यू नीड यूज वन नीडल, अगर हमने एक नीडल यूज किया एक बंदे के लिए, एक पेशेंट के लिए, वी कांट यूज इट फॉर अनदर पेशेंट. ओके, तो दैट नीडल सिरिंज एंड फिर उसको स्टोरेज के लिए खर्चा, देन वो हर एक के लिए सेपरेट बॉटल्स एंड ऑल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ खर्चा बेसिकली, एक्सपेंसिव. ओके, प्रीवियसली एकदम लाइक यू नो एंशियंट टाइम व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू यूज द सेम सिरिंज, मतलब जिसको जिसने एक के लिए यूज किया वही यूज करते थे. हाउ दे यूज्ड टू रीयूज इट, मतलब कैसे करते थे, तो उसको गर्म पानी में ऐसे बहुत टाइम तक बॉइल करते थे, सो अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ रहेगा उसमें, अगर अटैच हुआ रहेगा वायरस वगैरह, सो इट विल गेट किल. बट ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट रिलायबल मेथड, देर आर ऑलवेज अ चांसेस बिकॉज वी नो देर आर सम बैक्टीरिया, देर आर सम वायरसेस विच कैन survive at high temperature also. So matlab it's not that reliable, but then at that time it's like something is better than nothing. Agar koi option nahi hai to obviously doctors will find out something ki matlab jo kuch na kuch, okay, up to certain extent it can work. So that was the one thing. So to overcome this particular challenge we need something that can be taken orally, because it is easy na, matlab maine kisi ko bola ki ha le ye apple kha le ye टोमेटो खा ले, टेक दिस पोटैटो, तो द बंदा विल और द पेशेंट विल डायरेक्टली टेक इट एंड ईट इट. मुझे ऐसा कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट नीड एनी रेफ्रिजरेटर या फिर एनी स्पेशल फैसिलिटीज टू स्टोर दिस टोमेटो एंड दिस पोटैटो एक्सेट्रा. ओके, जैसे हम लोग घर पे स्टोर कर सकते हैं वैसे ही वो भी करना पड़ेगा. दैट इज वन अप्रोच. ओके, सो वी विल डिटेल दिस इन डिस्कस दिस इन डिटेल. सो कम बैक टू द बेसिक थिंग, what is oral vaccine. So basically in this particular oral vaccines, the immunogenic protein of a certain pathogen, matlab jiske wajah se ek immune reaction dega body, jaise ki humne bola ki antibodies bana sakta hai ya fir it will kill the virus and all, is found to be the active when administered orally, matlab jab hum log usko orally dete to it will be sorry we can take up it orally. Okay, and then how will we do this particular thing. So जो भी जीन होता है, अगर
suppose there is protein X, for example, which I want to use as in a vaccine. So what will I do? मैं सबसे पहले वो जीन ढूंढूंगा जो प्रोटीन एक्स के लिए कोड करता है. ओके, तो आई विल टेक अप द जीन करस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन. आई विल आइसोलेट इट एंड देन मैं उसको एक जीन कंस्ट्रक्ट में डाल दूंगा. व्हाट इज जीन कंस्ट्रक्ट? मतलब कोई तो प्लाज्मिड वगैरह उसमें डाल दूंगा. देन दिस इज दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट और प्लाज्मिड कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर जीन इज देन इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्रेस इन अ प्लांट जीनोम. मतलब उसको प्लांट में डाल के वी विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग सो दैट द प्लांट अलॉन्ग विद द प्लांट प्रोटीन दिस पर्टिकुलर जीन विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट के पास खुद का प्रोटीन तो होगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट इट विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज द पैथोजेनिक प्रोटीन का पैथोजेनिक प्रोटीन ऑल्सो. ओके, विच विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सच इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स इन अ पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर नॉर्मल प्रोटीन ऑफ द प्लांट जो पैथोजन का ये प्रोटीन रहेगा जिसकी वजह से कोई भी डिसीज हो सकता है उसका भी थोड़ा पार्ट वो प्लांट के पार्ट में आ जाएगा. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड देन वो एक्सप्रेशन चालू हो जाएगा उसका. सो जब भी हम लोग ये पर्टिकुलर प्लांट खाएंगे तो क्या होगा, अलॉन्ग विद द नॉर्मल प्लांट का पार्ट इवन द प्रोटीन विच वॉज एक्सप्रेस इन द पर्टिकुलर प्लांट जो कि भारत से हमने ऐड किया था वो भी हम लोग खा लेंगे. लाइक इट विल वी विल टेक इट अप कंज्यूम इट. और बिकॉज नाउ द प्रोटीन हैज गॉन इनसाइड द बॉडी ऑब्वियसली बॉडी विल रियलाइज कि ओके प्लांट तो है ही विच इज नॉर्मल लाइक विच इज यूजफुल फॉर द बॉडी बट अलॉन्ग विद द प्लांट प्रोटीन there is something extra which is in this particular plant which is nothing but apna immunogenic protein and then body will recognize this immunogenic protein and start producing the antibodies or some immune response to stop the reaction matlab to inhibit ki ye immunogenic protein jo aaya hai bahar se along with the plant iske wajah se kuch harm na ho body ko isliye the body will start some action or a reaction against the particular protein and in this way body will provide us a immunity matlab protection provide karegi and that's how it is developed. So this particular method or this particular vaccines are called as edible vaccines because directly hum log usko consume kar sakte hain. So agar tum log ye schematic dekh sakte ho you can just see there is a DNA from which I will take a required antigenic gene matlab jis jo ye vaccine mein use karna hai fir usko main जैसे हम कंस्ट्रक्ट में डालूंगा. सो इधर मैं उसको प्लाज्मिड वेक्टर में डाल सकता हूँ और डायरेक्टली हम लोग जीन गन यूज करके इसको डाल सकते हैं इनटू द सेल ऑफ द प्लांट और वी कैन डेवलप अनदर काइमेरिक वायरस जहाँ पे हम लोग बैक्टीरियोफेज यूज कर सकते हैं टू कैरी द डीएनए और जीन एंड देन और वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड. आई होप तुम लोग को ये सबका सब मेथड्स पता है अभी एज अ क्लोनिंग वेक्टर. नाउ एक बार भी मैंने ये कंस्ट्रक्ट बना दिया यहाँ पे like not all four any one of the four basically but there are multiple options that's what they meant to say. okay, so koi bhi ek method use karke main ye particular gene ko dal dunga plant mein and then I will grow the plant. now this particular plant has a different genome matlab uske paas additional thing hai matlab uska genome ko humne alter kiya hai that means it is now will be called as transgenic plant. what is transgenic plant? aisa plant jiska genome mein humne kuch changes kiye hain. So this particular plant will be now transgenic plant with the antigenic genes. Now ये जो plant रहेगा depending on हमने कौन से part of the मतलब ये particular gene हमने कहाँ पे add किया है plant के genome में the plant will start producing the fruits or flowers or let's say different kind of typical ऐसे leaves यहाँ जो कि एडिबल हो सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोटीन कहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है वी कैन फाइंड इट आउट. सो इट कैन बी एनी एडिबल पार्ट डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन से कहाँ पे इंसर्ट किया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट. एंड नाउ जब भी कोई भी इंडिविजुअल विल टेक अप दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक इट कैन बी मतलब वो फ्रूट हो सकता है या फिर वो पॉड्स हो सकता है या फिर वो टिपिकल लीव्स हो सकता है एनीथिंग इट विल बी it will provide the immunity and that's why it is called as oral vaccine. I hope you have understand jo maine bola hai abhi tak and if there any doubt about the edible vaccines please let me know. So that is about a typical
edible vaccine. There are different plants which are there, which are currently used as edible vaccines, which includes tomato, hay, potatoes are there, and bananas are there. So basically they want ki jahan pe na zyada degradation na ho. Agar mujhe, suppose let's say ki maine potato and banana is an option to me, so definitely I will go for banana. Why? Because banana ko directly consume kar sakte hai, but then potato ko mujhe पकाना पड़ेगा, कुक करना पड़ेगा. एंड देन देयर आर चांसेस दैट व्हाइल कुकिंग ये जो मेरा प्रोटीन था, मतलब जो एंटीजेनिक प्रोटीन रहेगा, वो शायद डिग्रेड हो जाएगा या फिर वो अपना फंक्शनलिटी लॉस कर देगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ क्वाइट रिस्क. बट देन बनाना में अगर ये रहेगा तो आई डोंट नीड टू कुक बनाना, डायरेक्टली जैसे ही था वो अगर पक गया है वी कैन ईट इट डायरेक्टली. सो दैट इज वन प्लस पॉइंट. सो देयर आर मल्टीपल सच और plants are now in a picture, people are trying on working on it, and that's why it is one of the good option for the rural area ya fir the remote areas ya fir the aise countries like Africa which are underdeveloped are not still very like have done any progress as such. So aise sab countries mein kaam aa sakta hai. Theek hai, so that is about the edible vaccine. And now there is something like, इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने वैक्सीन बनाया, एक टिपिकल पैटर्न बनाया, तो इट्स गना टोल्ड यू ना, मतलब कितना भी कुछ करे हम लोग का रिसर्च लाइक इन इंडिया, देयर आर नॉट इन इंडिया लाइक अराउंड द वर्ल्ड एवरीवेयर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि अगर मेरे पास ए प्लस है देन आई विल ट्राई फॉर ए प्लस प्लस प्लस, मतलब मोर एडवांस लेवल सो दैट आई विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट. एंड अगर कुछ लूपहोल्स रहेंगे दैट कैन बी ओवरकम, मतलब एज आई मेंशन कि कोई भी मेथड हो दो, कोई भी, नो मैटर व्हाट, कितना भी एडवांस है, कुछ ना कुछ तो स्मॉल टू स्मॉल ड्रॉबैक या फिर लूपहोल तो होता ही है. सो ऑब्वियसली एनी मेथड विल हैव सम और अदर लूपहोल, एंड दैट्स व्हाई इफ वी नीड टू फाइंड अनदर मेथड. सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स कमिंग इन अ पिक्चर नाउ. सो अलोंग विद दिस एडिबल वैक्सीन देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक अ कैप्सूल लाइक अ थिंग व्हिच आर लाइक क्वाइट अ एक्साइटिंग इन्वेंशन व्हिच इंक्लूड्स व्हिच एक्चुअली मेल्ट इन द माउथ. ओके, so these are the melt in a mouth vaccine that can be administered by placing them under your tongue, and that it delivers it into the bloodstream. मतलब तुम्हें से वो typical capsule like जो रहेगा उसको अपने mouth में रखना है, मुंह में रखना है below tongue, and once it will be in a mouth वो फटाक से melt हो जाएगा and it will go down the system. Okay, and एक बार वो down the system गया it will get absorbed into the bloodstream and then circulated throughout the body. और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. सो दैट इज अनदर थिंग विच इज नाउ टेकिंग गुड अटेंशन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लू वैक्सीन बाय बैसिलस विच मेल्ट्स इन द माउथ. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल मैंने दिया है कि बैसिलस को यूज करके दे हैव डन अ फ्लू वैक्सीन. बैसिलस इज अ बैक्टीरिया बेसिकली, एंड देयर आर ट्रेमेंडस बेनिफिट्स ऑफ सच वैक्सीन्स. First is like comfort of administration. There is no pain because I'm not using any needle and syringe. There is no cost, like there is very low cost because मुझे such कोई बड़ा facilities नहीं चाहिए, like bottle, storage bottle या फिर syringe या फिर needle कि जिसको हर एक के लिए change करना पड़ेगा, and which is quite costly. And then again अगर ये सब होगा तो refrigeration is required and फिर transportation का खर्चा आता है. तो ये सब चीजें हैं वहाँ पे. So that can be avoided, so that's why low cost and then easy storage. So these are the plus points of this particular type of vaccine which can be considered during this phase. Okay, so there are different types of products which are developed by the recombinant DNA technology which are taking a good which are taking a very good attention in healthcare now and is used in most of the diseases case. So it is just a chart which has listed ki okay agar koi decision rahega to uske liye kya kya conditions hai ya fir kya kya proteins available hai which are produced by using the biotechnology tools. So the very first one, like anemia, I hope everyone know what is anemia. It is a condition jahan pe oxygen supply is quite less and then the person have problem in the breathing and the respiratory problems are there. So in this particular problem of anemia,
there is a protein called as erythropoietin, which is used to cure, to treat this particular disease. So erythropoietin is generally produced in our kidney naturally, matlab apne body mein ye already banta hai. It is not something new, it is already there in our body, which is produced by kidney, but मतलब ना सफिशियंट कभी कभी नहीं होता है एंड वी रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ अमाउंट. सो दैट्स जैसे कि इंसुलिन के केस में होता है, तो इन द सेम वे सो इरिथ्रोपोएटिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टेक्नोलॉजी एंड इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया. देन देयर इज अस्थमा. आई होप अस्थमा यू ऑल नो अगेन अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर. सो इंटरल्यूकिन is nothing but a cytokine, or we can say, okay, whenever I say interleukin or some cytokine or some chemical factors, these are the chemicals produced by immune cells basically. So there is B cells, there is T cells. So basically these cells produce this particular types of chemical factors jinka kaam hota hai to provide immune response. Matlab agar maine dekha ki okay body mein kuch to foreign material आ गया है, तो the body will give some response, it will produce something which will go and bind to this particular foreign material and then kill them. So all these things are there. So these are nothing but the chemical factors produced by the immune cells. So उन्होंने एक term सुना रहेगा, I think now it's very common and trending, cytokine storm. It is very commonly used in terms of corona. Okay, corona के वजह से cytokine storm is there. So cytokine is also kind of chemical factor which is secreted, which are secreted or produced by the T cells or the sometimes B cells also. So it depends. Then there is something called as atherosclerosis. It is cured by platelet derived growth factor. Atherosclerosis क्या होता है कि the blood vessels का जो interior lining होता है वहाँ पे fat deposition हो जाता है. Because of that the blood vessels gets narrower and then blood pass होने के लिए problem हो जाता है. So that is atherosclerosis. Then there is something called parturition. Parturition is a stage in a delivery of, like basically when a female is giving birth to the baby. So there is a lot of pain. I hope you all know this particular thing, something called labor pain is there. So at that time a lot of hormones are actually produced by the female at that time. So there are a few hormones which actually produce at a time of delivery and which are actually present thoda pehle se uske body mein. So I hope matlab I don't know tum log ka wo chapter chalu hua hai ya nahi hua hai abhi tak, but whenever the chapter will start you will get idea. So relaxation is the kaun sa chapter? The control and coordination. Aisa koi chapter hai jahan pe hormones ke bare mein, brain ke bare mein sab sikha rahe hain? चैप्टर का शायद नाम चेंज हुआ रहेगा, लास्ट ईयर इट वाज कंट्रोल. नहीं सर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है बट स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सो वो चैप्टर में यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. सो बट देन आई एम जस्ट टेलिंग यू अ बेसिक लाइक बैकग्राउंड क्या होता है. सो रिलैक्सेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ हार्मोन जिसका काम होता है कि होते ना जो मसल्स होते हैं एट दैट टाइम, सो दैट मसल्स शुड बी relax. मतलब after delivery also there is a lot of contraction relaxation, contraction relaxation. There is another hormone called as oxytocin which helps. मतलब जो hormone की वजह से there is a large number of contraction in the pelvic part of the, not pelvic, sorry, pubic part of the female. So basically it helps to push the baby out basically at the time of delivery. So and then relaxation helps in the relaxing, matlab it is kind of relief providing hormone. So it is required during parturition. So even relaxing produce kiya gaya hai using the recombinant technology. Then there is something called as blood clots. So blood clots matlab you have seen, matlab jaise ki aapko pata hai ki in case of hemophilia blood clot hota nahi hai. Matlab problem kya hai ki blood will keep on flowing. Even a small cut is there, blood will keep on flowing. जल्दी से क्लॉट नहीं होगा. But in the opposite case क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है. सुना रहेगा इवन टिपिकल सीरियल्स और हिंदी सीरियल्स और बॉलीवुड मूवीज, दिस इज अ वेरी कॉमन. हाँ, उसके ब्रेन में क्लॉट से करके. सो बेसिकली बाय सम और अदर वे, मतलब कुछ समटाइम बिकॉज ऑफ सम इंजरीज और कुछ डैमेज हुआ रहेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन
sometimes the internally blood clots चालू हो जाते हैं and which can be actually cured by this particular protein called as tissue plasminogen activator or urokinase. These are also proteins produced by recombinant DNA technology. Then yes, the biggest we can say challenge of the current era, cancer. Like now, I don't know how many of you follow up the things about the cancer and all, like, but the number is like increasing tremendously now. Matlab every day, if you, I don't know how many of you just know in Mumbai mein hi we have two big cancer research institute basically, or one big cancer hospital jiska research part is in a Kharghar. So basically in Parel we have a Tata Memorial Hospital, which is only hospital dedicated to the cancer research, and yahan pe pure country se apne different patients come and take a treatment over there. It's very big hospital. And matlab agar tum log by chance kabhi agar wahan se pass bhi hoge by that road like Parel ke yahan se, so you will see ki matlab literally patients are like standing in a row se hospital ke bahar bhi, because they are not having enough place now. Ki patient ka number itna badh gaya hai ki it is very difficult to treat, because it's not like ki okay cancer is not like ki ha bhai ek injection le liya ghar pe ja kar ke. They have to keep people under observation, they have to keep on giving different treatment, different dosage of the drugs and all. So it is quite time taking process, and we can say the success rate is quite small or less as compared to the way people are getting affected by the cancer. So that is the biggest challenge currently we are all are facing. But then obviously the amount of research going on cancer is also good enough, and people are trying to find out ki kya kya kar sakte hain jiske wajah se at least main thoda time ke liye, even if okay cure nahi kiya to bhi chalega, wo pura theek nahi hua to bhi chalega, at least if I could just extend the life of the patient, even that is a big thing I think in the current situation. So there are different proteins and the drugs are coming in a picture. So it includes interferons, tumor necrosis factor, interleukins, macrophage, activating factor. These are just different proteins which are included in the metastasis, or which are included in a cancer progression basically. Well, like which are included in a inhibition of cancer progression. Okay, so this helps in preventing the cancer, we can say. So these are also produced by recombinant protein. Then there is something another challenge, diabetes. We all know insulin hum log ne produce kiya hai using recombinant DNA technology, and which is a good savior, you can say, which is currently available also in the market. Then there is something called as emphysema, again a kind of respiratory disease only. It can be treated by the alpha 1 antitrypsin protein. Then hemophilia A, hemophilia B, these are types of hemophilia. So if you remember during hemophilia, maine bataya tha ki hemophilia is caused by the blood clotting factor. So in a blood clotting factor, there are different types of blood clotting factor. So when it's hemophilia A, it is factor 8. When it's hemophilia B, it's factor 9. I think hemophilia B is also hemophilia A is also called as Bleeder's disease, and hemophilia B is also called as Christmas disease, just for the people who are interested. Okay, and then hepatitis B is there, which is caused by the hepatitis B virus, and now we are having a vaccine for hepatitis. Iska problem ye tha na, it was very easy. Hepatitis can survive in blood, matlab jo bhi hum log blood carry karte hain vagera. So now koi bhi agar hum log research institute mein jaate hain, it is रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जनरली ट्यूमर सैंपल्स पे या फिर कैंसर ट्यूमर्स पे या फिर ब्लड सैंपल्स पे काम करते हैं, इट इज कंपलसरी दैट जो भी काम कर रहा है उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना कंपलसरी है, बिकॉज वी नेवर नो वो कभी कौन से सैंपल के कॉन्टेक्ट में आएगा. द सैंपल माइट बी कंटेमिनेटेड विद वायरस एंड इट कैन कॉज डिसीज इन रिसर्चर. सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. सो it is very important, and even in a commercial or corporate area also, now at the time of joining they ask for medical certificate, and they ask you to take at least one vaccine at the time of joining, agar tumne kabhi liya nahi rahega in the recent 3 years. So it is one of the now again like new trend has been started.
to prevent, to take all possible precautions and prevent the disease. So this is just the list, and for NEET people, please don't ignore this list, because you will get multiple MCQs on this particular question. They will ask you, okay, emphysema can be cured by which protein? So you have to keep in mind it is alpha 1 antitrypsin. So all these things will be asked in your exam. So please pay attention. Hello, sir. Yeah. सर वो हीमोफीलिया बी का आपने क्या बोला था? क्रिसमस, सॉरी नो, क्रिसमस क्रिसमस मेरी क्रिसमस वाला क्रिसमस. अच्छा, या क्रिसमस डिसीज. या दिस इज. थैंक यू सर. या सो ओके, दिस इज द रॉन्ग स्लाइड जो बीच में आ गया है. वी विल कंटिन्यू. बट या I would like to say these all are bacteria, by the way. The T, H, A, N, K, U, ये सब typical bacteria हैं जो बहुत अच्छे से grow हो रहे थे. So this is one of the part of yeah, these all are bacteria. Sorry, bacteria is okay. Yeah, the red color का ये red orange. Yeah, the red one is a bacteria जो हमने marigold flower से निकाला था. Then yellow one is from, the orange one is from carrot. The yellow one is, I don't remember now, I think it's from soil. So all these are from ऐसे different sources जो कि यहाँ पे generally flowering plants से ना grow होते हैं, यहाँ पे जिसके पास बहुत सारा colors है ऐसे material से. So these are just bacteria. And okay, so that is just extra information. फिर उसके बाद है आता है, that is all about the biotechnology in a case of healthcare system. Okay, जहाँ पे हमने देखा कि medicine से, diagnostic kit से and vaccine से. Okay, so of which vaccines हम लोगों ने बहुत detail में study किया है. Now we'll move towards the next field of application, जहाँ पे it is nothing but the agricultural field. So we all know India is one of the leading country in the world, which is dependent on agriculture. Around 60% of our population is agriculture dependent. Okay, so that's why we are that typical krushi pradhan desh hum log usme aate hum log, and that's why we keep on trying different options. Okay, kya kar sakte hain, kaise hamara agricultural yield badh jayega, ya fir we will get the best yield, and with the less space hum log zyada production kaise bana sakte hain. All these things are under construction, and there are dedicated organization by government which actually involved in this particular field. So that's why now agriculture is also one of the leading field in India. And as I mentioned, biotech is an interdisciplinary field, or wo har jagah pe now it is going and taking over. So by usne agriculture ko bhi chhoda nahi hai. So now we'll see ki how exactly agricultural mein biotech can be used and how it will help us to increase the yield or more it make it more efficient field basically. Okay, so the application of biotechnology in agriculture involves scientific techniques such as genetically modified organism, BT cotton, and mainly pest resistant plants. So there are many, there is drought resistant plants also, there are water resistant plants also. So depending on a need, we are now developing, because हम लोग के पास एक tool है, that is recombinant DNA technology, जिसके वजह से है पता है कि I can modify the plants or I can modify the genome of any organism now. So that's why we are taking it for available properties. The plant mein won't nikalna, I can do that. So now everything is possible, we can say. So these all things are just example. GMOs, I have explained, ki aise animals ya fir aise organisms, to be more precise, jisme genetic changes kiye gaye hain ya fir manipulation kiya gaya hai. Then there is something called as BT cotton. आई थिंक तुम लोगों ने ये बात सुनी रहेगी, देयर इज बीटी ब्रिंजर्स, बीटी टोमेटोस, बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन. बहुत कॉमनली चल रहा है ये सब शब्द. और व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज़ इट वाज ऑब्जर्व दैट कि मतलब फ्यू इयर्स बैक एक बहुत बड़ा बोलते ना
social war was going on, like every social media platform and all, look, there was a power one group of people जो लोग बीटी प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे थे, देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो बीटी प्लांट्स को अपोज कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं वी कैन नॉट डू दैट यूज इट, कुछ लोग बोल रहे थे यू हैव टू यूज इट, सो लाइक इट्स ऑल लाइक टिपिकल थॉट्स एंड ऑल, आई डोंट वांट टू गो इन देयर द फाइट्स एंड ऑल क्यों थे वगैरह, बट द ओनली थिंग इज कि बीटी में बीटी इज नथिंग बट बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजियंसिस, ओके, बी for bacillus, T for thuringiensis. It is nothing but a bacteria which is having a typical gene for a toxin. So this particular bacteria produces a toxin which can actually use to kill a different pest. So there is something different, you know, there are some caterpillar type worms which actually just destroy the fields of like plants. So khaka ke pura kharab kar dete. So to kill such vector, to kill such worms like caterpillars and bollworms and all, this particular toxin is very useful. So people have used this particular BT toxin in these plants to protect them from the pest attack and all. So we will see in detail ki wo kaise kiya hai, kyun kiya and all. But that is, I'm just giving you a background ki BT kya hota hai karte. And then pest resistant, again BT can be a so this is just a glimpse exactly how biotech is getting applicable or is getting implemented in field of agriculture. So why it is required? It actually helps in modifying the plants, animals and microorganisms which can be in which can be used to improve the agricultural productivity. तो अगर मुझे इन्हें बेटी का एग्जांपल देना है तो यू कैन जस्ट सी द दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो दिखाया है यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो ग्रे कलर में दिखाया है दैट इज बैसिलस थुरिंजियंसिस, इट इज अ बैक्टीरिया, ओके, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. मैं क्या करूंगा, आई नो ओके दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, तो मैं उससे वो टॉक्सिन का वाला जीन निकाल लूंगा. तो दिस जीन इज नथिंग बट अ बीटी जीन which is coding for a toxin. So now humne wo gene nikala and I will add it into a vector, and this particular vector containing a particular gene for the toxin will be now inserted into a plant. So jab bhi koi aisa pest aake usko khayega, so because of this particular wo jab bhi khayega thoda bhi khayega to because of that ye plant uske pet mein jayega aur ye plant mein kya humne add kiya hai, toxin add kiya hai. So because of that ye जो पेस्ट था वो मर जाएगा, ओके, बिकॉज इट विल गेट किल्ड बाय द टॉक्सिन. हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट कि ये जो टॉक्सिन है ये सिर्फ अल्कलाइन कंडीशन में ही एक्टिव होता है, और ये जो पेस्ट है, ये जो वर्म्स है या फिर ये जो कैटरपिलर्स है, इनके पेट में अल्कलाइन कंडीशन होता है. बट अपना अगर यू कैन सी आवर स्टमक हैज एसिडिक पीएच, वी आर नॉट अल्कलाइन gut animal, we are a acidic pH animal, so because of that it will not harm human beings because hum log pe kuch uska effect hoga nahi because hum log ke paas acidic pH hai. So that is the only concern. So few people are still not able to accept that fact ki okay, BT is not harmful to the humans, it is just killing the pest, and because of that all those fights are there. So we will see in detail about the BT plants in transgenic plant, jo hum log ka next topic hai iske aage ka. Okay, so this is just a basic. I hope you understand what is BT and how it works. Okay, on other case, agar humne dekha ki normal agar rahega plant to it can easily eat and destroy. Tumne agar photos bhi agar Google pe search kiya BT plants karke, you can actually see matlab normal plant jahan pe pura kha kha ke usne iska like it is like there are so many holes in the plant leaves. However a normal however a modified plant which is nothing but a BT plant which is having a proper leaf, matlab is jahan pe kuch infection nahi hua hai koi bhi pest ka. So that is one part jahan pe hum log plants ko modify kar rahe. The another important approach or aspect of agricultural biotech is a plant tissue culture. Plant tissue culture is a very important technique and it is helpful in developing the new strains of plants, new varieties of the plants with desired properties. So exactly hota kya hai,
the name itself, plant tissue culture. If you read it properly, you will get an idea that हम लोग को टिश्यू करना है ग्रो इन अ प्रॉपर कंडीशन. तो वेन एवर आई से प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर, ये जो टेक्निक्स है, दिस आर टेक्निक्स जहाँ पे हम लोग इन विट्रो कंडीशन में, मतलब आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, हम लोग सेल्स को ग्रो करते हैं. तो बेसिकली इन एनिमल सेल कल्चर इट इज एनिमल सेल्स, इन प्लांट टिश्यू कल्चर दिस प्लांट सेल्स. सो तुम लोग को सिर्फ एक स्मॉल सेल ऑफ प्लांट चाहिए या फिर अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट यू हैव टू यूज, एंड तुम्हें वो डालना पड़ता है टिपिकल मीडिया में. तो टिपिकल मीडिया कॉल्ड एज एमएस मीडिया, मुराशी एंड स्कूट मीडिया. तो बेसिकली इट इज यूज फॉर अ टिश्यू कल्चर. तो व्हाट इज दिस मीडिया? तो जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन वी टॉक मीडिया इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, इट इज अ फूड फॉर बैक्टीरिया. इन द सेम वे मीडिया फॉर प्लांट इज ऑल्सो फूड फॉर प्लांट. जैसे कि हम लोग जनरली घर पे प्लांट्स को सॉइल पे ग्रो करते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं. इन द सेम वे दिस पर्टिकुलर जो मीडिया रहता है फॉर टिश्यू कल्चर ऑफ प्लांट इज लाइक अ सॉइल. उसमें सब कुछ रहता है, उसमें हॉर्मोन्स रहते हैं, उसमें शुगर रहता है, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, एवरीथिंग इज देयर विच विल प्रोवाइड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द प्लांट and help the plant to grow very nicely, okay, and provided under a extremely aseptic condition with no contamination, okay. So we have to take utmost precautions to avoid any kind of contamination, because a small contamination ke wajah se pura ka pura lab kharab ho sakta hai, and it is very very costly matter, because ye jo media jo hum log use karte they are quite costly. It's not that bolte na cost effective, like it's not that easy to do all these things. A proper funding is required to do all these things. So इसलिए बहुत ज़्यादा precautions से काम करना पड़ता है. So when you take any cell and put it on a media, it will start growing. So let's say I don't have any like मैं कहीं पे तो गया था for a trip. Let's say I went to some हिमालयस और वहाँ पे कोई तो प्लांट है, बड़ा सा ट्री मैंने देख लिया विच इज वेरी नाइसली ग्रोइंग एंड आई फील क्या ये तो बहुत अच्छा है एंड मुझे वो अपने घर पे लेके आना है. आई एम नॉट एबल टू टेक इट बिकॉज बहुत बड़ा है, देर आर नो सीड्स अवेलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री, फ्लावर्स भी नहीं है. तो मुझे अभी उसको लेके आना, तो मैं उसको कैसे लेके आऊँगा? वॉट विल आई डू? सिंपली मैं उसका एक लीव्स लेके आ जाऊँगा घर पे, विच इज इजी टू कैरी. मैं लेके आऊँगा घर पे, आई विल कट द लीफ इन टू small small part, small small pieces mein cut kar dunga, and then I will just put a small piece of that leaf on a media and I will keep it as it is. After few days the cells from the particular media, from the particular leaf piece will start growing and it will form a mass of cells, matlab aise clumps banayega cells ka grow hoke which we call callus. So on this slide the first image you can see is called as callus, okay. Yeah, this is nothing but a mass of the cells grown on a tissue medium, okay. So it is a small leaf ka tukda jiske wajah se pura cell grow ho gaya. Now what I will do, agar main chahta hu ki isko mujhe properly grow karna hai, main isko transfer karunga into such tubes, and ye tubes mein actually hormones rehte hain. So generally there are two types of hormones which are mainly used in tissue culture. I repeat the names again, you just keep in mind and if possible note it down. Auxin and cytokinin, okay. I repeat, auxin and cytokinin, these are the two hormones which are generally used in plant tissue culture. Auxins are used for growth of the roots called as rhizogenesis, and cytokinins are used as a used for the growth of the shoot. So I hope you remember, root jo सॉइल के नीचे ग्रो होता है, शूट्स जो उसके ऊपर एरियल पार्ट. तो अगर मुझे उसका शूट पार्ट पे ज्यादा ग्रोथ करना है, तो आई विल जस्ट ऐड साइटोकाइनिन इन ज्यादा अमाउंट, इन मोर अमाउंट, सो दैट इट विल जस्ट फ्लोरिश एरियल पार्ट के ऊपर. बट इफ आई वांट कि उसका रूट भी इक्वली अच्छा ग्रो हो, मैं उसमें इक्वली अच्छा ऑक्सीजन ऐड करूंगा. सो अगर देयर इज सम प्लांट, लेट्स से जिसका मुझे एरियल पार्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सॉरी I mean, उसका जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो उसके रूट्स में है.
So what will I do? I will not waste my time, energy and resources growing the shoot part. कि उसका leaves क्या grow होता है, shoot क्या grow होता है. I don't care about that. What will I do? I will provide a conditions जिसमें से उसका roots अच्छे से grow होगा. And I will, it will be more beneficial for me because जो मेरे काम का चीज़ है, only that will be grown in a culture media and which can be used further. So you can see. फिर उसका आगे हम लोग और transfer कर सकते हैं और उसको expand कर सकते हैं in different tubes. So these tubes are called as, these are the bumper tubes. These are the, this is the petrol plate, a normal. जैसे हम लोग battery का use, battery के लिए use करके. The white thing is nothing but the MS media. And then these are the culture bottles. Okay. ये सबको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ओपनिंग्स रहता है जहाँ से एयर कैन पास. सो बिकॉज द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट द एयर, ऑब्वियसली दे नीड टू डू द गैसियस एक्सचेंज. सो दिस इज इन जनरल अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर. नाउ व्हाई वी नीड इट, सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज जनरली यूज इन अ केस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन. वॉट इज माइक्रो प्रोपगेशन? इट इज नथिंग बट अ लार्ज स्केल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. मतलब बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. सो ये जो बॉटल्स तुम लोग को दिख रहे हैं, दिस इज द वे वी जनरली डू माइक्रो प्रोपगेशन. ओके, मतलब स्मॉल स्मॉल प्लांट्स को वी विल ग्रो इन वेरी शॉर्ट टाइम. हाउ वी कैन ग्रो इट इन अ शॉर्ट टाइम? बिकॉज हम लोग उसको सब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द कंडीशंस आर एक्सट्रीमली फेवरेबल जिसमें फटाफट फटाफट ग्रो हो सकते हैं. इट ग्रोज वेरी फास्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. देन it is also important method for storing a germplasm and maintaining a specific genetic type. So now what is germplasm? Basically humne bola tha ki genome. So genome is like the entire genetic material of a particular cell. But then what is germplasm? It is like the live cell basically. Hum log usko preserve karke rakhenge so that agar future mein kabhi mujhe koi to cell to grow karna hai, I will definitely take it from the germplasm and allow it to grow. इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसा अगर मैंने कोई टिपिकल स्पेसिफिक प्लांट मॉडिफिकेशन करके बना दिया जिसमें बहुत अच्छा स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो ऑब्वियसली विच इज नॉट हैविंग अ टिपिकल सीड्स वगैरह ग्रोइंग, तो ऑब्वियसली आई नीड टू कीप द प्लांट ग्रोइंग अंडर सर्टन कंडीशन. ओके, मुझे उसको ग्रो रखना पड़ेगा. एंड इन सच केसेस प्लांट टिश्यू कल्चर हेल्प्स. सो देर आर मेनी लैब्स विच एक्चुअली डू इवन इन बिरला. इफ यू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिरला, but in the IT building, if you go on a third floor, there is this typical plant tissue culture laboratory. They have really nicely maintained it. So that is a typical application. And the majorly why we need it, because this technique is used in those plants jiske seeds are not able to, there are no seeds, ya fir jiske seeds hai but they are not that good quality seeds, ya fir they can degrade easily after some time. ऐसे सब सीड्स के लिए हम लोग उसको काम करते हैं, यूज कर सकते हैं. सच सीड्स आर कॉल्ड एज रिकैल्सिट्रेंट सीड्स. मतलब द सीड्स व्हिच आर डिफिकल्ट इन स्टोरेज एंड कैन लूज देयर वायबिलिटी आफ्टर सम टाइम. तो जैसे कि हमें पता है नॉर्मल सीड्स हम लोग ने अगर रखा तो दे कैन बी देयर फॉर इयर्स एंड इयर्स. इट्स नॉट लाइक वो खराब हो जाते हैं, बट देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनके सीड्स आफ्टर पर्टिकुलर टाइम खराब हो जाते हैं. तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट सच प्लांट एंड कीप देम इन अ कल्चर, सो दैट जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं. एंड अनदर रीजन बिहाइंड दिस इज दिस पर्टिकुलर प्लांट प्रोड्यूस द प्लांट विल प्रोड्यूस हाईली वेरिएबल सीड्स. तो ऐसे प्लांट्स को भी हम लोग कर सकते हैं कल्चर, बिकॉज एवरी टाइम अगर वो कुछ नए टाइप्स के सीड्स बना रहा है तो देर आर चांसेस दैट द प्लांट मे गेट मॉडिफाइड लेटर ऑन. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. एंड टू ओवरकम सच प्रॉब्लम वी जनरली गो फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. Okay, I hope you understood what I said just now about the plant tissue culture and the agricultural biotech. Is there any doubt? Doubt? Eh? No, sir. Great. Okay, so let's move ahead then. Okay, I'm assuming ki sab log ko sab kuch samajh raha hai. So please. Pay attention. Yeah. So let's start with the gene therapy. What is gene therapy? Again, I think if you all see
हम लोग का कोर टॉपिक इज सेम, हम लोग का मेन टॉपिक इज लाइक हम लोग सब जेन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको कभी कुछ ऐड कर रहे हैं, कभी कुछ डिलीट कर रहे हैं, सो बेसिकली इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड अ सिंपल टेक्निक और कोर टेक्निक टू बी मोर प्रिसाइज, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग. सो जीन थेरेपी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच इज वेरी कॉमनली, नॉट वेरी कॉमनली यू कैन से, but now is taking more attention nowadays because of its application. What is gene therapy then? Gene therapy is the treatment of disease by replacing, altering or supplementing a gene. Okay, it is can be used by it can be used to cure a disease by replacing, altering or supplementing. Matlab it can also replace kar sakta hu या फिर उसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव जीन प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर उसके सपोर्ट के लिए कोई और जीन, ओके, और तो उसके सपोर्ट के लिए आई कैन ऐड अ न्यू जीन, आई कैन सप्लीमेंट्री जीन. ओके, सो बेसिकली इट विल इट इज अ सच टाइप ऑफ जीन व्हिच इज अब्सेंट or abnormal in a particular individual and was absence and the abnormality is responsible for disease. So basically if I know okay, there is a disease like hemophilia which is caused by a particular gene mutation, so if I know okay this particular gene mutation is causing hemophilia, what will I do? I will find an option like if I can just replace a gene or I can just alter a gene or can I just provide a supplementary gene which can be act as a which can be help to treat the particular condition or help to solve the problem of the hemophilia. So all these things can be done. So in normal terms, the gene therapy is defined as a it is the treatment of disease by replacing, altering or supplementing a gene that is absent or abnormal and was absence or abnormality is responsible for the disease. Okay, so that is the typical definition for a gene therapy. Now most as I mentioned, every time I keep on saying ki there are most of disease jiska problem is at genetic level, even a cancer is a genetic disease. So there are many such factors or many such diseases which are actually they are because of the genetics or a gene or a DNA is responsible for the disease. So we will say most if not all diseases have a genetic factor, matlab they can be caused by mutation or some problems in a gene or a DNA. So the genetic factor can be wholly or a partially responsible for a disease, matlab okay there are some extension ki okay a particular gene can cause 50% damage, 70% damage, depending on ki matlab it's not like ki it can be only gene, there can be some other factors also which are playing role, but okay it is also a genetic thing. Okay, then till now there are more than 5000 different human genetic diseases which are known and which are generally caused by a single gene defect, matlab sir ek hi gene mein defect hua hai and because of that thing all such diseases are there. And when I say single gene mein defect hua hai, I think it sounds good to me because sir mujhe ek hi gene ko modify karna padega ya fir change karna padega. But when there is a mutation in different genes, there are multiple genes involved in such in some diseases, it becomes more difficult because targeting multiple genes, unko modify karna is not an easy task. As compared to targeting multiple genes, single gene defects are, I can say, a bit easier. No method of genetic modification is easy, but just comparatively more, efficient method we can say in case of single gene defects. So there are different diseases. I think most of these already have been explained to you. So it includes sickle cell anemia, thalassemia, Tay-Sachs, cystic fibrosis, Huntington's, hemophilia, alkaptonuria, albinism, and muscular dystrophy. So there are multiple. These are just examples. So just at least keep few, not all, but at least 2-3 to yaad rakhi lo. And I think this few of them are very common. Jo inheritance mein bhi the. So it will be easy for you to keep in mind ki kaun kaun se diseases the. So now what all ways are there by which I can do
अ टिपिकल जीन थेरेपी मतलब कैसे कर सकता हूँ. आई एम सेइंग कि आई कैन अल्टर इट, आई कैन सप्लीमेंट द जीन और आई कैन मॉडिफाई द जीन, इट्स पॉसिबल. बट देन देर आर मल्टीपल वेज हाउ कैन आई डू अ टिपिकल जीन थेरेपी और आई कैन यूज अ जीन थेरेपी इन अ मल्टीपल वेज. लेट्स सी, सो आई कैन यूज इट टू रिप्लेस और replace a missing or defective gene. Basically first thing I can do this, or I can deliver a gene that is that does fit the this. Okay, I can add a gene or deliver a gene which will help me to fasten the process or make it fast that does it can kill the cancer cells. So this is generally used for the cancer treatment. Ye hum log aisa koi to gene ya fir protein add karte hain which will go and kill the cancer cells. Or I can supply gene that can cause cancer cells to revert back to normal cells. This is very difficult, but okay, people are working on that. How can we revert back the cell mechanism? Then there is something another way, like deliver a bacterial or viral genes as a form of vaccination. Yes, हम लोगों ने पढ़ा अभी just now in this lecture only कि हम लोग vaccines use कर सकते हैं. Then delivery of DNA to antigen expression and generation of immune response. So हम लोग DNA provide करेंगे which will be act as antigenic protein and which will help in generation of immune response. That is another option. Then supply of a gene for impairing viral replication. So basically that's what we are trying in the case of corona, we can say. हम लोग को ऐसा कुछ add करना है जो corona को disturb करेंगे या फिर उसका जो mechanism है उसको distract करके destroy करके it will revert back to normal condition. So which is also possible by gene therapy. Then there is a another option like provide a genes that promote or impede the growth of new tissue, which is also possible. Now we can add a tissue specific gene, let's say a gene which is involved in, let's say, liver regeneration. So hum log usko stop bhi kar sakte hai, usko promote bhi kar sakte hai. So this is also possible by using gene therapy. And then there is another method like to deliver genes that stimulate the healing of damaged tissue. So in multiple times you must have seen matlab kuch typical damage ho gaya hai, but in few people like in mostly in diabetic people koi agar injury ho jata hai to it takes a quite a time long time to recover or to bolte na uska healing hone mein, because diabetic patient takes a bit longer than the normal patients. So and this is because of the typical mechanism obviously unke body mein jo hota hai uske wajah se. But then if we add a typical gene, physical gene therapy, it is possible to heal the tissue quite a faster rate mein. Aur hum log aur bhi mechanism stimulate kar sakte hain which will help us to modify the tissue or which will be helping. So you can see matlab all these are possible. These are the matlab there are hundreds of scientists jo ye sab pe kaam kar rahe hain aur chal raha hai work. Is you are getting promising results also, but at some other level obviously when it's come to bolte na the typical application to the human level. So matlab tum log ko main first lecture batate aa raha hu ki there is something called as cell line pe pehle kaam hota hai, fir animal models pe hota hai, and then it come to the human trial jahan pe hum log human beings pe karte hain. But na that gap between the cell line model and the human trials na is it's quite a lot. Matlab it has been observed, aise dekha gaya hai ki okay there is a particular gene or a drug jisne mujhe cell lines pe 80% efficiency dikhaya hai ki wo 80% kaam kar raha hai, it is showing very good results. But jab hum usko typical human beings mein use karte hai it just show 20-30% which is not sufficient. So these all the problems are there obviously. कल्चर कंडीशन बिकॉज बॉडी के अंदर इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स नॉट अ सिंगल सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहाँ पे हजारों प्रोटीन एक साथ काम कर रहे हैं इन अ सिंक्रोनी इन अ बैलेंस विद ईच अदर. बट जो हम लोग सेल लाइन को कल्चर में करते हैं इट इज जस्ट अ सेल्स, देयर आर नो अदर इंटरफेरेंस, इट इज जस्ट अ प्योर सेल्स. सो दैट कैन बी अ वन रीजन, बट देन वी आर स्टिल नॉट क्लियर. बट यस, रिसर्च इज गोइंग अ लॉट, दे आर डूइंग and putting up a lot of efforts ki kuch to karenge aur karenge, especially in the case of cancer cells. Matlab people are trying very hard ki kaise usko revert back kar sakte hai, kaise usko maar sakte hai, because it is quite matlab agar hum log ko early stage mein samajh gaya ki cancer ho gaya kisi ko, then
okay, we can at least provide some kind of treatment which is good. But when जब ये जाता है in a last like third stage or a first stage or a fifth stage, depending on कौन सा type of cancer it is, it becomes more and more बोलते हैं ना painful, मतलब unbearable हो जाता है वो patient, literally they keep on crying and all because they can't just bear the pain जो होता है उन लोग को and plus the treatment जो हम radiation देते हैं, chemotherapies देते हैं, these treatments are there, but now sometimes शायद वो लोग कैंसर सेल्स को तो मार देते हैं बट आफ्टर दैट जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना द साइड इफेक्ट्स आर मोर हॉरिबल बिकॉज मे बी पेशेंट माइट नॉट अगर उसका इम्यून सिस्टम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग द पेशेंट माइट नॉट डाई बिकॉज ऑफ द कैंसर बट मे डाई बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स द जीन थेरेपी इज लाइक वन ऑफ द प्रॉमिसिंग टूल वी कैन से कि जो काम कर रहा है एंड वी कैन सी इट एज अ वन ऑफ द promising option. Let's see कि in next few years अगर कोई नया gene therapy comes in the picture and we get something promising. That is about the gene therapy and how we do. Now we will study gene therapy in more details about the types of gene therapy and all. But that I will take in the next lecture. So अगर यहाँ तक कुछ भी doubt है please ask so that I can clarify. Hello sir. हाँ सर वो एक बार ये बताइए ना लिंकेज या yeah.